नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पेनडॉट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। आज के वीडियो का सबसे अच्छा टाइटल मुझे ये लगा, तुर्की तू नहीं मानेगा। कश्मीर पर लगातार तुर्की भारत सरकार की आलोचना कर रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान दौरे पर आए तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने कश्मीरी लोगों के संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध में तुर्कियों के संघर्ष जैसा बताया था। 5 अगस्त के बाद कश्मीर से 370 निष्क्रिय होने के बाद तुर्की राष्ट्रपति लगातार भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। 13 फरवरी को पाकिस्तानी संसद में एर्दोगन ने कहा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील है, अभी इस मुद्दे को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही तुर्की दोनों देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों पर अत्याचार का हमें समाधान निकालना होगा। इस बात को लेकर भारत सरकार काफ़ी खफा नज़र आ रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा लगातार तुर्की को इस मसले से दूर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बार बार तुर्की के द्वारा इस प्रकार के रवैये से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है। सोमवार को भारत सरकार ने तुर्की के राजदूत को समन किया और कड़ा रुख अपनाते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। जानकारों की माने तो भारत सरकार तुर्की से व्यापार पर अपने कदम पीछे ले सकती है। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार तुर्की को सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस प्रकार की बयानबाजी से मोदी सरकार ने कई बार तुर्की को चेताया भी है, लेकिन लगता है कि तुर्की इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है, जो शायद दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत तुर्की कंपनी TAIS के साथ 2.3 अरब डॉलर की डील से भी अपने पैर पीछे खींच सकता है। बता दें कि इस डील के तहत तुर्की कंपनी भारतीय नौसेना के लिए 5 जहाज बनाने में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की मदद करने वाली है। TAIS को जहाज़ों की डिज़ाइन, तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने और परियोजना के लिए ज़रूरी उपकरण की आपूर्ति की जिम्मेवारी सौंपी जानी थी। TAIS ने इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे कम बोली लगाई थी। हालांकि भारत ने पिछले साल ही इस डील के लिए तुर्की को मना करने पर विचार किया, लेकिन अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका। शायद अब तुर्की को समझाना चाहिए कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी होती रही तो उसके साथ भी मलेशिया जैसा ही होगा, जो शायद तुर्की के लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा झटका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.